परिवार से आते हैं। मेरे पापा नॉर्मली एक रेडी लगाते हैं चौमिन की, रोड पर नॉर्मली घर का गुजारा कर पाते हैं। हम चाहे अपना कितना ही बेस्ट दे लें, अगर वही पेपर सेम चीज है वो 1000 बच्चों पे पहले पहुंच रही है तो हम उन 1000 रैंक से तो नीचे आ ही गए ना सर। अब हम लोग में शक्ति नहीं है कि इसको एक बार और अटेम्प्ट करवा सके, ये अंदर से पूरा टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। जितने छात्र उतनी बातें, नीट में धांधलियों से जुड़ी रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इन धांधलियों के तार बिहार से लेकर गुजरात तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक से जुड़ रहे हैं। हताश छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले राजधानी के जंतर मंतर पर चलते हैं, जहां नीट को लेकर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां हमें विकास दुबे मिले, उनके पिता चाउमीन की रेहड़ी लगाते हैं। 4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने अब तक करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा कोचिंग पर खर्च किए। इस साल चौथी बार नीट की परीक्षा दी, 640 नंबर भी आए। लगा कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब काउंसलिंग की तैयारी की जगह जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने ये नीट का एग्जाम 4th time दिया था, चौथी बार दिया था इस बार, और मेरे मार्क्स थे 629 आउट ऑफ 720। मेरा घर, मेरा जो परिवार वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, हम ना ही अमीर लोगों से आते, हम एक गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पापा नॉर्मली एक रेहड़ी लगाते हैं चौमिन की, रोड पर नॉर्मली घर का गुजारा कर पाते हैं। मेरी 2 बहनें एक भाई है, हम सिर्फ मेहनत से, इतनी मेहनत कर करके हम इतने डिजर्विंग हुए कि हमें इतने मार्क्स लाए कि हमें MBBS मिल जाए। बट ये गवर्नमेंट ने ये या NTA ने जो गड़बड़ी की है, इसकी वजह से हमें ना तो सीट मिल पा रही है। मेरी फैमिली में नियरली 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गए प्रिपरेशन में, बट गवर्नमेंट ये चीज देख नहीं रही है मिडिल क्लास फैमिली को। लेकिन विकास अकेले नहीं है, हर्ष दुबे और काजल कुमारी जैसे तमाम छात्र हैं जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं। हर्ष के पिता कन्नौज में किसान हैं, उन्होंने किसी तरह 3 साल तक बेटे को दिल्ली में कोचिंग करवाई। अब वो पिता पुत्र नीट की परीक्षा दोबारा करवाने के लिए जंतर मंतर पर डटे हैं। मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और इस बार जब पेपर दिया तो मतलब मुझे लगा था हाँ अच्छा पेपर जाएगा। अभी तक हम सोचते थे कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो अपना हो जाएगा, लेकिन अब क्या कि हमें पता चला कि बैक डोर से भी एंट्री हो जाती है, तो अब स्टूडेंट्स अपना पूरा पोटेंशियल भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था पहले कि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो चोरी छुपे पीछे पीछे से पैसे दे के आगे चले जाएंगे आपसे, तो फिर उतना पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। अभी तक आप लोग नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, जब आपने पेपर लीक माना फिर CBI जांच भी बैठाई, अगर कोई गलतियां नहीं थी तो 13 लोग आपने क्यों अरेस्ट कर लिया? एम्स के डॉक्टर, IIT के प्रोफेसर, जो टीचर्स 20-25 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में, वो सब बोल रहे हैं कि कुछ स्कैम हुआ है, तब भी ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे घर में उतनी इनकम नहीं है, जो हम लोग सबके घर में 2 बच्चे, एक मेरा छोटा भाई, मेरे पे कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर अभी वो भी तैयारी कर रहे हैं कि उसने स्टार्ट किया है। अब रोज उसका क्वेश्चन रहता है कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि NTA ही वो एग्जाम लेता है। दिल्ली के एक बड़े कोचिंग सेंटर में 2 साल से कोचिंग ले रहे आदर्श और ऋषिका से हमारी मुलाकात हुई। आदर्श रोज गगन बिहार के इस कोचिंग सेंटर में आने के लिए 2 घंटे बस का सफर करते हैं। नीट की तैयारी के लिए ये छात्र 10 से 12 घंटे रोज पढ़ते हैं, लेकिन धांधलियों की खबरों से इनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। मेरे पापा की कोई इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है सर, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज लेना हर कोई नहीं कर पाता अफोर्ड, लेकिन घर वालों का सोचना ये है कि लड़का है कर ले तैयारी 1-2 साल, क्योंकि घर वालों को लगता है डॉक्टर बन जाएगा तो इसका भी सब सेट हो जाएगा और हमारा भी सब सेट हो ही जाएगा।
लेकिन अगर यही चीज हो जाएगी तो पहली बात तो उनकी उम्मीदें वैसे ही टूट जाएंगी। हम चाहे अपना कितना ही बेस्ट दे लें, अगर वही पेपर सेम चीज है वो 1000 बच्चों पे पहले पहुंच रही है तो हम उन 1000 रैंक से तो नीचे आ ही गए ना सर। और अगर हम उसके बाद भी पेपर दे के हमने कट ऑफ तक के नंबर नहीं ला पाए फिर तो हमारी क्या गलती है इसमें। अभी जो जिन बच्चों के साथ इतना वो नाइंसाफी हुई है हमारे साथ हो गई, फिर उनके करियर्स पे इतना असर पड़ा, हमारे करियर्स पे भी पड़ सकता है। ये सारा सोचते हैं पढ़ाई के दौरान? अच्छा। हर कोई सोचता है।